एक सहाबी तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं, अरे आओ ना कुछ खाएंगे, नहीं मैं अभी अभी इफ्तार की मैंने, अरे कहाँ करे, मैं जन्नत के में जन्नत में कर गया, मस्ती में जा रहे हैं अभी अभी कर गया, बहुत खा गया जन्नत बोल रहा है क्या जन्नत के ख्वाब देखे तुम्हें, मेरा आखा ने कहा मेरे रोजे और जो है मिंबर के दरमियान की जन्नत जो है रोजे तुम रियाजी जीना जन्नत, वो जो एक बाग है जन्नत का वहां बैठ के खाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं कैसे कहूँ कि जन्नत से बाहर खाया, ये क्या कर्म है मेरे आका का, अरे दीवाने तू जन्नत के लिए तड़प रहा है, गुलाम रसूल जन्नत में खाता पीता है, ऐसे कहता है कहा कि मा सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये मेरे आका की रहमत है, घर से बाहर निकला आशिक रसूल मस्जिद में दाखिल हुआ, वो एक जगह है छोटी सी, हमने देखा नहीं, हाफिज साहब देखे हैं जो जाज इकराम है वो देखे हैं, कितने खत्म की होगी शाह, 100-200 खत्म, 200-400 खत्म, समझ में आया, 400 खत्म की जगह वो खदमा वहां मापना नहीं, पावर मापना वहां काबत लगा है सही मालूम वही होगा कुछ 40-50 कदम का जो है अहाता होगा वो मापते हैं, सारी दुनिया की इमारतें कचरा पावर देखते वहां, मेरे घर से मिंबर के दरमियान मेरा आना जाना होता ना, ज्यादा आना जाना होता था मेरे आका का, क्यों वहां भी है यहां भी नहीं, ये रास्ता बनाता था, क्या रास्ता है वो, क्या रास्ता है वो, जिनके कदम जहां पड़ जाए जन्नत का बाग बन जाए, अब बताओ गुलाम रसूल तुझे जन्नत की खौफ और तुझे मिलेगा नहीं मिलेगा शक किस बात का है,